हम लोगों ने सॉइल फर्टिलिटी, उसके साथ ही वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए कि सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़े और वाटर कंजर्वेशन भी हो, तो हमने एक नई प्रणाली ईजाद की है, उसका नाम है ग्रिड लॉकिंग प्रणाली। तो हम ग्रिड लॉकिंग प्रणाली में पहले ज़मीन तैयार करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग उसमें ज़मीन तैयार होने के बाद हम यहाँ लोकल भाषा में उसको डवरा बोलते हैं, उसको रस्सी बांध के फिर हम उसके ग्रिड बनाते हैं, यानी बेड बनाते हैं। पहले राउंड में बेड बना लेते हैं, दूसरे राउंड में फिर वही डवरे को उठाते जाते हैं, 8-8 फीट पर वो लॉक होते चले जाता है। इस तरह से हम लोग उसको पूरी तरह से लॉक कर देते हैं उस ज़मीन को। तो उसका लॉक करने का मकसद ये होता है कि बारिश का आने वाला पानी उसमें 100% रुक जाए। अब वो पानी के लिए तो हमने ये प्रणाली कर ली, अब उसमें पैदावार और सॉइल फर्टिलिटी दोनों भी हम उद्देश्य साध्य करने जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन अरहर की लगाते हैं, उसके बीच में मक्का लगाते हैं, और 3 लाइन हम लोग ग्रीन मैन्यूरिंग की लगाते हैं, हरी खाद की। तो वो हरी खाद में हमने एक नई प्रणाली ईजाद की है, तो उसमें हम लोग 6 किलो बरबटी लेते हैं, डायकॉट में 6 किलो और मोनोकॉट में हम 2 किलो बाजरा लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास बने बाजरे के से। तो 2 किलो बाजरा लेते हैं, साथ में 6 किलो धैंचा लेते हैं। इस तरह से हम 14 किलो बीजों का इनका ये प्रयोग करते हैं और 200 ग्राम तिल डाल देते हैं। तिल बारीक बीज होता है, ज़्यादा वनस्पति मिलती है तो मल्चिंग ज़्यादा होगा। तो हम लोग ऐसा ये ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए लेते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग के पर्पज़ ये होते हैं कि वही ग्रीन मैन्यूरिंग 60 दिन के बाद उसको काट के हम वो तुअर में ही हम उसका मल्चिंग कर देते हैं। वो मल्चिंग से लाभ ये होता है कि पानी का बाष्पीभवन भी नहीं होता और वही मल्चिंग ये खाद में कन्वर्ट होकर वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से हम क्रॉप के थ्रू सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप के थ्रू वाटर कंजर्वेशन, ये 2 पर्पज़ उसमें हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लोगों को ज़मीन तैयार करने में करीब 1600 रुपये के करीब खर्च आता है, साथ में ही हम लोगों को 800 रुपये ग्रिड बनाने का खर्चा आता है और 1100 के करीब बीज का खर्चा आता है। और हम लोगों ने क्या किया कि और सॉइल फर्टिलिटी तेज़ी से बढ़े, तो 4 ट्रॉली प्रति एकड़ हमने गोबर की खाद भी डाली। फिर 3 वर्ष वहाँ हमें कोई गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसको अगर 3 साल में डिवाइड करें तो 1.25 ट्रॉली के करीब प्रति एकड़ का हिसाब बैठता है। तो इस तरह से हमने 8000, अभी इसमें काउंट करते हैं हम, 8000 हमने वो खर्च किया, तो कुल टोटल खर्च हमने ये 11500 के करीब खर्च किया और 1000 बीजों का खर्च आता है हमको। इस तरह से 12500 रुपये हमारा प्रारंभिक ये खर्च हुआ है। इसमें इस तरह से हम लोगों ने ये खर्च किया है।